शहर और आसपास क्या कुछ हो रहा है, इसे समेटा है हमने लोकस्वर के इस बुलेटिन में। स्वागत है आपका, मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हिंदी का पेपर हल किया, आसानी से 12वीं बोर्ड के एग्जाम शुरू। बेजा कब्जा हटाने नगर निगम, राजस्व और टीएनसी की संयुक्त टीम ने किया शहर के 3 इलाकों का निरीक्षण, खाली करने दिया नोटिस। पेंड्रा के सरकारी स्कूल में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने किया न्योता भोजन, कहा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना बनेगी मील का पत्थर। और शनिश्री मुख्य मार्ग से हटाया डिवाइडर, निरीक्षण कर कलेक्टर ने दिया था आदेश, यातायात होगा सुगम। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आइए खबरों को देख लेते हैं विस्तार से। शुक्रवार को हिंदी विषय से 12वीं बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हुई। परीक्षार्थियों के खिले चेहरे बताने काफी थे कि पेपर सरल आया था। इस दौरान जिले में कहीं से नकल या अप्रिय समाचार नहीं मिला। जिले के 129 केंद्रों में शुक्रवार को 12वीं बोर्ड परीक्षा आयोजित की गई। पहले दिन हिंदी का पेपर देने बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं केंद्र पहुंचे थे। सुबह 9 बजे से शुरू हुई परीक्षा दोपहर 12:15 बजे खत्म हुई। परीक्षा हॉल से बाहर आए स्टूडेंट मुस्कुरा रहे थे। तकरीबन सभी ने कहा पेपर सरल आया था, तैयारी के अनुसार उन्हें अच्छे नंबर मिलने की उम्मीद है। हिंदी भाषा से शुरू हुए बोर्ड एग्जाम में शामिल परीक्षार्थी तनाव मुक्त होकर सवालों के जवाब लिखते दिखाई दिए। बहुत बढ़िया गया, लग रहा था कि और आसान लगा, मेरे हिसाब से कठिन था, बाकी अच्छा गया। मेरे पेपर में एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं छोड़ा। डर तो बहुत था, पर अब पेपर भी जाने के बाद लग रहा है कि हाँ, आगे अगले पेपर में थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। मैं हिंदी मीडियम से, तो हिंदी आज का पेपर बहुत अच्छा था, सभी सेट अच्छे थे, मिला था। हम लोग हिंदी वाले तो हमारे लिए इजी रहता। क्या बात अच्छी थी इस क्वेश्चन पेपर में? अच्छी ये थी कि सब क्वेश्चन जो थे ना पूरे एकदम, मतलब एक भी मिस्टेक कुछ नहीं था, और बहुत मतलब इजी था, और जिस मतलब समझने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और बहुत टाइम पे भी बन गया। इजी था, थोड़ा लेंदी था, बट इजी था। लेंदी क्यों लगा? एक्चुअली थोड़ा टाइम मैनेजमेंट पे मेरे को दिक्कत है, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम हिंदी, मैंने संस्कृत लिया था 9th में, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है, तो इस वजह से मुझे लेना था। लग रहा था क्योंकि पहली बार हम लोग सेंटर पे आए हैं, बाकी पेपर अच्छा गया। ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे ना पढ़ के आए थे, वही क्वेश्चन आए थे, और ना इजी था पेपर। माध्यमिक शिक्षा मंडल के वार्षिक परीक्षा में जिले से कुल दर्ज 18,788 में से 18,415 परीक्षार्थी शामिल हुए। जिला शिक्षा विभाग ने अलग अलग केंद्रों में अनुपस्थिति का कुल आंकड़ा 372 नोट किया है। इस साल लोकसभा चुनाव होंगे, इसके लिए CBSE और CG बोर्ड एग्जाम 23 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा, यानी होली त्योहार से पहले ही परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी, जिससे स्टूडेंट में खुशी है। परीक्षा के दौरान कहीं से भी नकल मारने या बाधा मिलने का समाचार नहीं मिला है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी बिलासपुर। जिले में धान खरीदी बंद होने के बाद लगभग एक माह का समय गुजर चुका है, बावजूद इसके खरीदी केंद्रों में लाखों क्विंटल धान जमा है। वहीं कलेक्टर ने पूरे मामले में कहा कि इस बार उम्मीद से ज्यादा धान खरीदी हुई है, शासन को उठाव के लिए डिमांड भेजा गया है, जल्दी ही उठाव किया जाएगा। जिले में कलेक्टर जहां एक तरफ व्यवस्थित धान खरीदी के बाद अब व्यवस्थित रूप से धान के परिवहन को लेकर जो है सिस्टम बना रहे हैं, वहीं संबंधित विभाग की देखरेख में धान को चूहे चट न कर दे, इसे भी ध्यान में रखा जा रहा है। धान की खरीदी के लिए शासन स्तर पर रूपरेखा तैयार कर जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों को जो है उनकी जो जिम्मेदारी है वो भी तय कर दी गई है। धान उठाव के लिए नियम शर्तों के साथ मिलर से एग्रीमेंट किया गया है, तो फिर धान खरीदी केंद्रों से धान के उठाव में विलंब और इतनी लापरवाही बरतना अब समझ से परे लगता है। जिले में रबी फसल की तैयारी शुरू हो गई है, इसके लिए बाकायदा खेत तैयार कर धान की नर्सरी तैयार की जा रही है। कुछ स्थानों पर धान की रोपाई जो है वो शुरू कर दी गई है। पखवाड़े भर बाद धान की रोपाई में तेजी आएगी।
सिंचाई साधन संपन्न किसानों ने इन दिनों रबी फसल के रूप में धान की पैदावार लेने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहर से लगे कुछ स्थानों पर धान की रोपाई की जा रही है। किसान बताते हैं कि खरीफ फसल की तुलना में रबी फसल में धान का उत्पादन अधिक मिलता है, क्योंकि तेज गर्मी के कारण धान फसल में लगने वाली कई प्रकार की कीट व्याधि रबी फसल में देखने को नहीं मिलती। जिन किसानों के पास खेतों में बोर की सुविधा है, उन्होंने फसल की बुआई का काम पूरा कर लिया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में लगी जनहित याचिका के बाद कोर्ट ने लिंगियाडी, दयालबंद और सीपत रोड से बेजा कब्जा हटाने आदेश दिया है। शुक्रवार को नगर निगम, राजस्व और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की टीम ने बेजा कब्जा स्थल का निरीक्षण कर सीमांकन किया। कार्यवाही के जद में आने वाले प्रभावित परिवारों को तत्काल नोटिस थमाया गया। शासकीय भूमि से बेजा कब्जा हटाने लगाए गए PIL पर हाईकोर्ट ने बिलासपुर विकास योजना पुनर्अवलोकन 2031 के अनुसार कार्रवाई के आदेश दिए हैं। शुक्रवार को नगर निगम, राजस्व और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की टीम ने शासकीय भूमि पर बनाए गए दुकान और मकान का सीमांकन किया। इस दौरान लगभग 150 से अधिक अवैध कब्जाधारियों के नाम सामने आए हैं, जिन्हें तत्काल मौके पर नोटिस दिया गया। बहतराई से सीपत मुख्य मार्ग के दोनों तरफ 75 फीट तक अवैध कब्जा हटाने मार्किंग की गई। वहीं सीपत से दयालबंद रोड में सड़क के बीच से 60 फुट दोनों तरफ टेप से नापजोप किया गया। अपोलो की तरफ जाने वाली सड़क 80 फीट चौड़ी करने अधिकारियों ने नापजोप किया। 2031 के मास्टर प्लान के अनुसार सड़क चौड़ीकरण किया जाएगा। अभी हम लोग सड़क का सीमांकन कर रहे हैं, जो शासकीय भूमि पे कब्जा है, और सड़क चिन्हांकित कर रहे हैं कितने कितने दूर तक सड़क है, और मास्टर प्लान के हिसाब से ही इसका चिन्हांकन किया जा रहा है। ऐसे कितने दुकान और मकान आ रहे हैं जद में इसमें? अभी तो सर्वे चल रहा है, पूर्ण रूप से कह नहीं सकते कि कितने हैं, फिर भी 100 के आसपास तो हो गई। कार्रवाई कब तक होगी, किस तरीके की? कार्रवाई जल्द होगी, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। यहाँ की शासकीय भूमि पर करीब 100 साल से कब्जा कर लोग रह रहे हैं। इस क्षेत्र के प्रभावशील लोगों की यहाँ कई दुकानें भी हैं, जिसका वह किराया ले रहे हैं। आने वाले 2-4 दिनों में नगर निगम की टीम यहाँ से बेजा कब्जा हटाने की कार्रवाई करेगी। प्रभावित लोगों को नोटिस जारी कर बेजा कब्जा हटाने कहा गया है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसो टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर के खोंदरा सर्किल में मड़वा नाला के पास जंगल की अवैध कटाई और बेजा कब्जा की जांच शुरू कर दी गई है। बिलासपुर के रेंजर और उड़न दस्ता की टीम मौके पर पहुंची और परिस्थितियों का अवलोकन किया। टीम अब जांच रिपोर्ट तैयार कर अपने वरिष्ठ अफसरों को सौंपने जा रही है। खोंदरा सर्किल में अतिक्रमण व अवैध कटाई मामले की जाँच वन मंडल का उड़न दस्ता दल भी कर रहा है। कोरबी और खोंदरा बीट में अवैध कटाई के साथ अतिक्रमण की खबर प्रमुखता से लोकसभा टीवी में प्रसारित की गई थी। खबर के बाद वन मंडल में हड़कंप मच गया। वन अफसरों ने मामले को गंभीरता से लिया और सर्किल प्रभारी से लेकर रेंजर को तलब किया। जिम्मेदारी मिलने के बाद दल गुरुवार को मौके पर पहुंचा। स्थानीय वन कर्मचारियों ने पहले ही घेरा हटा दिया था। ऐसी स्थिति में दल ने अतिक्रमण करने वाले ग्रामीणों का बयान दर्ज किया। इस दौरान उन्हें कुछ पेड़ों पर गडलिंग के निशान मिले, जिसे काटने का प्रयास किया गया था। जांच पूरी होने के बाद दल DFO को रिपोर्ट सौंपेगा। बिलासपुर रेंज के खोंदरा सर्किल में कोरबी गांव के पास मड़वा नाला से लगे जंगल से पेड़ों की कटाई के लिए टांगी से पेड़ों के जड़ के पास छिलाई की गई है। मौके पर बहुत से ऐसे पेड़ हैं, एक पेड़ के नीचे आग भी लगाई गई। जंगल विभाग की जमीन पर बेजा कब्जा किया जा रहा है, जहां अब बाकायदा खेती भी हो रही है। नई जमीन पर भी ट्रैक्टर से जुताई करने के ताजा निशान हैं। इस पूरे मामले की जांच के आदेश DFO संजय यादव ने माथहत अफसरों को दिए हैं। खबरें प्रसारित होते ही रेंजर बिलासपुर पल्लव नायक मौके पर पहुंचे और इसकी जांच की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी SDO बिलासपुर को सौंप दी है। SDO ने उड़न दस्ता को भी जांच के आदेश दिए थे। दूसरे दिन उड़न दस्ता की टीम भी मौके पर पहुंची। उन्हें मुनारा के पास एक बड़े क्षेत्र में घेरा मिला, जिसे अतिक्रमणकारी ग्रामीण ने घेरा था, और इसके निचले हिस्से में खेती के लिए खेत भी तैयार मिले। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी के खिलाफ प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। जांच के दौरान जब उड़न दस्ता मौके पर पहुंचा तो उन्हें कुछ पेड़ों की गडलिंग में गोबर व मिट्टी लगाकर कपड़े बंधे मिले। इस उपाय से पेड़ों पर की गई गडलिंग पहले की तरह सामान्य हो जाती है और पेड़ सूखने से बच जाते हैं। उड़न दस्ता ने जांच के दौरान इस बिंदु को भी विशेष तौर पर अंकित किया है। माना जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद जब उड़न दस्ता टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी।
लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेन राठौर की रिपोर्ट। सेलर के सरपंच पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थी लक्ष्मी नारायण साहू ने सीपत थाने में रिपोर्ट लिखाई है। पीड़ित ने बताया कि बिजली गुल की समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए सरपंच धनंजय सिंह और उसके 6 साथियों ने एक सप्ताह पहले उस पर बेसबॉल लाठी और धारदार हथियार से हमला किया था। मामले में सीपत पुलिस द्वारा दबाव बनाकर सरपंच को आरोपी नहीं बनाने कहा जा रहा है। लक्ष्मी नारायण साहू ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर सुरक्षा प्रदान करने और आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। पीट करे घर में घुसर के सब जैसे पाए थे गाड़ी घुस के अनुभूत मार पीट कर छुरी चाकू बता दे। कौन करे मारपीट? भोलू साहू। भोलू है? कौन भोलू साहू? भोलू भोलू ही। कौन है वो? धनंजय सरपंच। काबर मारपीट करे? मारपीट अब ही के संग मने ढीचना चुनाव मत संग ता मारपीट करत मन लड़का कर। मारपीट करे के कुछ कारण तो होई, काबर बस उठके वही उठके गुंडा की इतना बढ़ गया सरपंच काम सेलर का, अपने आदमियों को लेकर जब चाहे जहां पे चाहे मार सकता है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। गुंडागर्द इतना बढ़ गया है कि हर लोग अपने घर में डरे हुए हैं, सच बात को बोल नहीं सकते। नाम क्या है? मेरे उसका नाम धनंजय सिंह ठाकुर है, लोग उसे भोलू सिंह नाम जानते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और स्वास्थ्य मंत्री गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शुक्रवार को पेंड्रा में स्कूली बच्चों के न्योता भोजन में शामिल हुए। उन्होंने बड़े स्नेह से बच्चों को भोजन परोसा और उनके साथ बैठकर खाना खाया। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पेंड्रा में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला प्रशासन द्वारा आयोजित न्योता भोजन में डिप्टी सीएम अरुण साव, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक धर्मलाल कौशिक, प्रणव कुमार मरपच्ची और किरण सिंह देव ने बच्चों को खीर पूड़ी पापड़ सलाद चटनी और फल परोसा। उन्होंने नन्हे बच्चों को अपने हाथों से भोजन खिलाया और उनके साथ बैठकर भोजन भी ग्रहण किया। शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर में वार्षिकोत्सव में हुए विलम्ब को लेकर छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय परिसर में मोर्चा खोल दिया। यहां जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान मामले को शांत कराने के लिए स्थानीय प्रशासन को सामने आना पड़ा। रतनपुर के शासकीय महामाया विद्यालय में छात्रों द्वारा आरोप लगाया गया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा वार्षिकोत्सव रद्द किया गया है। वहीं दूसरी तरफ महाविद्यालय प्रशासन ने वार्षिकोत्सव में हुए विलम्ब को दूसरी वजह बताई। कॉलेज में वार्षिक उत्सव हो रहा था जिसके अनेकों मांग को लेकर के हम लोग यहाँ सर के पास गए थे, लेकिन हम सभी विद्यार्थियों के हर एक बात को ठुकराया जा रहा था। यहाँ तक यहाँ अतिथि भी कौन आ रहा है इसके लिए पहले से कॉलेज प्रशासन द्वारा तय हो गया था। हम विद्यार्थियों का कार्यक्रम है, लेकिन विद्यार्थियों से 1% भी हम लोग चर्चा करना, जाहिर सी बात है चर्चा भी करना वो अपना उचित नहीं समझा। उसके साथ ही कल हम लोग गए वहाँ प्रतिनिधिमंडल बन करके हमको प्रिंसिपल चैम्बर में बैठा करके हमारे ऊपर एक दबाव डाला गया। उसके बाद में हम विरोध प्रदर्शन किए। पूर्व में महाविद्यालय द्वारा वार्षिकोत्सव की तिथि 2 मार्च निर्धारित की गई थी, लेकिन छात्र छात्राओं और महाविद्यालय के बीच मुख्य अतिथि को लेकर खींचातानी की स्थिति बनी रही, जिसके चलते वार्षिकोत्सव में विलम्ब हो गया। अब धीरे धीरे परीक्षा का समय भी नजदीक आ गया। इस स्थिति में छात्र छात्राएं आंदोलन पर उतर आए और महाविद्यालय परिसर के मुख्य द्वार पर बैठकर घंटों नारेबाजी की। इस दौरान जब वे अपनी बातों पर अड़े रहे और मानने को तैयार नहीं हुए तो थाना प्रभारी व तहसीलदार को महाविद्यालय में आना पड़ा। इस दौरान छात्र छात्राएं नारेबाजी करते हुए शिक्षक कक्ष में घुस गए, जहाँ तहसीलदार के द्वारा मामले को शांत कराया गया। इसके बाद वहां उपस्थित शिक्षकों, स्थानीय प्रशासन व छात्र छात्राओं के बीच चर्चा हुई, जिसमें आपसी सहमति के तहत वार्षिकोत्सव के लिए 6 मार्च की तिथि निर्धारित कर दी गई। छात्र संगठन और प्राचार्य टीचर्स के बीच में कुछ बात हो रही थी, उस उक्त संबंध में मैं यहाँ पर आया था। इनका कुछ प्रोग्राम है, शासकीय प्रोग्राम जो ये हमेशा हर साल कराते हैं, उस संबंध में कुछ छात्रों का कुछ विरोध था, इसके संबंध में यहाँ उपस्थित हुए थे। आपसी सहमति से छात्रों को समझाया गया और कॉलेज के प्रशासन ने एक आपसी सहमति से एक मीटिंग बुलाने का फैसला लिया है। उसके आधार पे आगामी फैसला ले जैसा भी लिया जाएगा उसके आधार पे कार्यक्रम की दिशा निर्धारित की जाएगी। कुछ अतिथियों के नाम तय हुए थे, पर उन अतिथियों की अनुपलब्धता और एक आध अतिथि के नाम को लेकर के
मत भिन्नता के कारण कल बातचीत हुई थी और उसको लेकर के उन्होंने अपना पक्ष रखा। महाविद्यालय प्रशासन ने उनका पक्ष सुन लिया है और उनके साथ संवाद भी किया है और नई तिथि 6 मार्च की तय की है। छात्रों और महाविद्यालय प्रशासन के आपसी तालमेल से मुख्य अतिथि का भी चयन कर लिया गया। जिस काम को पहले कर लिया जाना था वो काम अब मध्यस्थता के बाद किया गया। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानिकर की रिपोर्ट। शॉलीवुड के किसी एक्टर ने साउथ के दिग्गज कलाकार के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर किया है। युवा देसु विवेक के निर्देशन में बनी प्रिया गंगवानी और हितेश पांडे के प्रोडक्शन वाली एक्शन थ्रिलर मूवी रक्षणम शुक्रवार को रिलीज की गई। बाहुबली फेम कला के प्रभाकर और मन कुरैशी से ये हिंदी मूवी खास बन गई है। रक्षणम की रिव्यू की जो झलकियां हैं वो हम शुरू करेंगे और इसके साथ ही इस फिल्म के लीड रोल में जो नजर आए हैं उस कलाकार से भी हम आपकी मुलाकात करेंगे। मन कुरैशी जी हाँ, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री यानी छॉलीवुड के लिए ये कोई नया नाम नहीं है और वो इस वक्त हमारे साथ है। पीवीआर सिनेमा बिलासपुर से हम बात कर रहे हैं लोकसभा टीवी पर। मन कुरैशी जी, इसकी जब स्क्रिप्ट आपके पास आई तो सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्शन किस में मिला? अट्रैक्शन तो बाद में, पहले सवाल आया पहले कि आप लोग ये बना लोगे जैसा आपने सोचे हो, जिस जिस आर्टिस्ट का आप नाम ले रहे हो उन लोगों को बुला लोगे? तो उन लोगों ने बोला कि हाँ सर, सबसे बात हो गई है या हम लोगों का सब प्लान है। पर क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर आते हैं और सब लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमारे पास में। जब फिल्म फाइनली बनी, आज थिएटर में लगी है तो देख करके लगता ही नहीं कि मैं हूँ या मैं ही वो एक्शन कर रहा हूँ या मैं ही वैसी एक्टिंग कर रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा है, एक डायरेक्टर का, एक प्रोड्यूसर्स का, एक जो मेकर्स का होता है, एक उनका विज़न ही अलग होता है। USP क्या है इस मूवी का रक्षणम? एक्शन USP है, अब तक के शायद इतना स्टाइलिश एक्शन नहीं हुआ है। मैंने खुद बहुत एक्शन किया है और भी मेरे बाकी कलाकारों ने भी बहुत अच्छा एक्शन करते हैं यहाँ पर, लेकिन इस बार हमने राम शंकर करके एक एक्शन डायरेक्टर, उनको बुलाया था, उन्होंने रजनीकांत को ही फाइट कराया हुआ है। हैदराबाद से आए थे, 70 डेज तक के हमने एक्शन किया था। विवेक नारायण, थोड़ा नाम कठिन हो सकता है लेकिन कठिन फिल्म इन्होंने नहीं बनाई है। जी हाँ, इसके निर्देशक, युवा निर्देशक मेरे साथ हैं और वो बता रहे हैं आपको कि डायरेक्शन के किन पहलुओं पर उन्होंने खास फोकस किया। जी सर, बताएंगे। सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार सर, मेरा नाम देशु विवेक नारायण है। हाँ। जी सर, क्या किन पॉइंट्स पर आपने ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की है? सर एक्चुअली मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ जो फिल्में चल रही हैं, मैं सबसे पहले वो ये रिसर्च किया कि लोगों को किस टाइप की फिल्म पसंद आ रही है। मैक्सिमम आजकल के लोग जो हैं ज़्यादातर साउथ इंडियन फिल्में पसंद कर रहे हैं सर, जितने भी हैं। आप कन्नड़ा इंडस्ट्री, कांतारा ले लीजिए, KGF ले लीजिए, सारे चीज़ जो हैं साउथ इंडस्ट्री का कल्चर ही यहाँ आ रहा है सर, सब चीज़। तो हमने ये कोशिश किया कि जब साउथ इंडस्ट्री का कंटेंट जो है लोग पसंद कर रहे हैं तो क्यों ना एक वैसा कंटेंट हम यहाँ बनाने की कोशिश किया जाए। कास्टिंग को लेकर के क्या दिमाग में प्लान था सर? हाँ, कास्टिंग को लेके सर वही बता रहा हूँ मैं, जब वो विज़न आया सर मेरे माइंड में कि इसको अपन थोड़ा साउथ इंडियन टच में जाने का, तो सबसे पहले विलन आया था सर मेरे माइंड में। इसलिए हमने जो है बाहुबली के जो फेम है हमारे काल के सर को, प्रभाकर जी को हमने यहाँ लेके आया था, तो उन्होंने भी यहाँ छत्तीसगढ़ में कभी कदम नहीं रखे थे सर, बोले कि हम कभी आए नहीं हैं, आप ही के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने आए सर, बहुत अच्छा कोऑपरेट किए और आज भी सर का आने का था लेकिन कुछ हैवी टाइट शेड्यूल शूटिंग होने के चलते सर नहीं आ पाया। सर उन्होंने कॉल किया, बोला सॉरी विवेक जी मैं नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल आपका छत्तीसगढ़ में काम करके बहुत अच्छा लगा। दीपक जी हाँ, सेकंड लीड जो है नेगेटिव रोल में रक्षणम में नजर आए हैं दीपक, कैसा अनुभव रहा एक कैमरे का सामना करना? सर देखिए, हम छोटे मोटे कैमरेज का सामना तो करते आ रहे थे फ़ोन से और DSLR से, तो उसमें एक नॉर्मल लगता था हम लोग को, लेकिन जब 100 लोगों के सामने इतने बड़े कैमरे में शूट करना, तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था, फर्स्ट डे मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। उनके साथ भी मैंने स्क्रीन शेयर की है सर, तो उनके साथ ऐसा था सर कि पहले दिन में मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस और डर लग रहा था, बट वो भले एक तेलुगु इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं साउथ इंडियन से, लेकिन थोड़ी बहुत हिंदी उनको आती है, उन्होंने भी मुझे कुछ कुछ सिखाई चीज़ें। रक्षणम नाम के अनुसार फिल्म बहुत अच्छी है, कहानी अच्छी है और हमारी बिलासपुर की जो टीम है प्रोडक्शन हाउस, उसने एक बिल्कुल गंभीर मुद्दे को, जो इन्फ्लुएंसिव मैटर है, उसको कहानी के रूप में लिया है। इस बेटी के बारे में बताया गया है कि बेटी को मान कितना प्यार से उसने रखा था और वो माने उसमें के जो गुंडे लोग हैं उसे
वहाँ अपनी ड्यूटी भी पूरी की। मूवी अच्छी है और इसमें ये बताया गया जैसे आजकल जैसे किडनी बेच दे रहे हैं और हार्ट, तो वो अच्छी लगी। संगीत कैसा लगा? अच्छी है। क्या कुछ है संगीत में? गाने अच्छे हैं। आइए हेडलाइंस पर फिर से नजर डालते हैं। हिंदी का पेपर हल किया, आसानी से 12वीं बोर्ड के एग्जाम शुरू। बेजा कब्जा हटाने नगर निगम, राजस्व और टीएनसी की संयुक्त टीम ने किया शहर के 3 इलाकों का निरीक्षण, खाली करने दिया नोटिस। पेंड्रा के सरकारी स्कूल में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने किया न्योता भोजन, कहा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना बनेगी मील का पत्थर। और शनिश्री मुख्य मार्ग से हटाया डिवाइडर, निरीक्षण कर कलेक्टर ने दिया था आदेश, यातायात होगा सुगम। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेडलाइंस के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं। कलेक्टर अवनीश शरण और पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने यातायात व्यवस्था और सड़कों से अतिक्रमण नियंत्रित करने शहर के प्रमुख मार्गों का जायजा लिया था। कलेक्टर ने करीब 2 घंटे पैदल चलकर ट्रैफिक में बने अवरोध को नजदीक से देखा। इसके बाद नगर निगम और अन्य अधिकारियों को इन अवरोधों को जल्द दूर करने का निर्देश दिया था। शनिचरी बाजार में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने, बिलासा चौक से जूना बिलासपुर मार्ग के बीच लगे डिवाइडर तत्काल हटाने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर के इस निर्देश के बाद मार्ग पर बने डिवाइडर को तोड़ दिया गया। इस कार्यवाही के बाद जल्दी ही यहाँ से गुजरने वाले नागरिकों और व्यापारियों को जो बार बार जाम लगता था उससे राहत मिलेगी। ट्रेनों की लेट लतीफी से परेशान यात्री रेल प्रबंधन को लगातार कोस रहे हैं। परेशान यात्री रेल प्रशासन पर नाराजगी भी जाहिर करते दिखे। इंक्वायरी के बाहर भी ट्रेनों के आगमन की जानकारी लेने वाले यात्रियों की कतार लगी रही। बिलासपुर जोन के अलग अलग रेल मंडल में आवश्यक मरम्मत कार्य चल रहा है, इस वजह से ट्रेनों का रीशेड्यूल करना पड़ रहा है। रेल प्रशासन लेट लतीफी की मुख्य वजह इसी को बता रहा है। जोनल स्टेशन के यात्री प्रतीक्षालय से लेकर ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां यात्री ट्रेन का इंतजार करते न बैठे हों। वो बार बार स्टेशन मास्टर या इंक्वायरी में पहुंचकर ट्रेनों के आगमन के संबंध में जानकारी लेते दिखे। कुछ यात्रियों ने जरूरी कार्य का हवाला देकर रेल कर्मियों पर नाराजगी भी जाहिर की। गोविंद प्रसाद तिवारी और परिवार द्वारा सरजू बगीचा साईं कृपा हॉस्पिटल के पास स्थित गली जो कि आम रास्ता है, जिसके जो मोहल्लेवासी 35-40 सालों से निस्तारी करते आ रहे हैं, इस मार्ग पर जो है जेसीबी से खुदाई कर इसे अवरुद्ध कर दिया गया है, जिसके कारण पूरे मोहल्ले में नाली का गंदा पानी भर गया है। छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उन्हें परेशानी हो रही है। वृद्ध बीमार लोगों के आने जाने का रास्ता भी नहीं बचा है। अवरोध उत्पन्न होने से सभी परेशान हैं। नाली का पानी मोहल्ले में भरने के कारण मच्छर और डायरिया फैलने का खतरा बढ़ गया है। इससे निजात दिलाने उप मुख्यमंत्री, निगम आयुक्त और तहसीलदार को भी ज्ञापन दिया गया है। यहाँ के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। 35 साल से आम रास्ता है, उसको अवरोध उत्पन्न कर दिया गया है, जेसीबी से खोद के जाम कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पूर्व उस अवैध निर्माण कर गोविंद प्रसाद तिवारी द्वारा किया गया जिसे नगर निगम ने हटाया और पुनः जेसीबी से खोद के अवरोध उत्पन्न कर दिया गया और वहां अवैध ट्रांसपोर्ट उत्पन्न है, जिसके कारण पूरे मोहल्ले वालों को आवागमन की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण वहां रहना दुर्भर हो गया है। इसलिए सभी मोहल्लावासी सोमवार को हम लोग चक्का जाम के ज्ञापन देने के लिए यहाँ कलेक्टर साहब के उपस्थित हुए। लगभग 35 साल से हमारा आवागमन जिस रास्ते से हो रहा है उस पर अवरोध उत्पन्न कर दिया गया। लगभग 1-1.5 महीना से हम लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि वहाँ पर से जो मेन रास्ता है हमारा उस पर पहले तो दीवार खड़े कर दिया गया था, उसके बाद निगम के द्वारा जब कार्यवाही की गई उसको तोड़ा गया, फिर भी उस पर फिर से अवरोध उत्पन्न कर दिया गया है, जिससे हमारे दैनिक कार्यकलाप में बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं और वहाँ पर बहुत सारी गंदगी पसर गई है, जिससे कि बच्चे बीमार पड़ने लगे हैं। लगभग 1 महीना हो गया गंदा पानी जमा हो रहा है वहाँ पर। शादी का झांसा देकर युवती से अनाचार करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार जिला मुंगेली के ग्राम सारिसताल थाना लोरमी निवासी, जो कि वर्तमान में बिलासपुर शहर के इमलीपारा गली नंबर 1 में किराए के मकान में निवास करता है,
युवती से उसकी जान पहचान थी, लिहाजा पीड़िता आरोपी भूपेंद्र पटेल को टिफिन देने उसके निवास पहुंची थी। इस दौरान उसकी नीयत बिगड़ी और शादी करने का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। युवती ने जब शादी करने की बात कही तो युवक टाल मटोल करने लगा। बार बार शादी करने की बात पर वो भड़क जाता और उसे जान से मारने की धमकी भी देने लगा। आखिरकार पीड़िता ने 20 फरवरी को सिविल लाइन थाने पहुंची और युवक के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तत्काल थाना स्तर पर टीम बनाकर युवक की तलाश की गई। युवक भागने की फिराक में था, इस दौरान उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। उसके खिलाफ 376, 506, 323 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। प्रार्थिया थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी द्वारा उसके साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया गया है। इस संबंध में थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी भूपेंद्र पटेल जो मुंगेली का रहने वाला है, इसको पकड़ने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कड़े निर्देश प्राप्त हुए थे। इसी तारतम्य में पुलिस उसको खोज रही थी और मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी इमलीपारा के आसपास दिखाई दिया है। घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। वाहनों की तेज रफ्तार के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। पिछले दिनों भोजपुरी टोल प्लाजा के पास मोटरसाइकिल सवार युवक को एक चार पहिया वाहन ने ठोकर मार दी थी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल युवक को सरगांव अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टर ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए सिम्स रेफर कर दिया था। मामले को बिगड़ता देख डॉक्टरों ने रायपुर अस्पताल यहां से भेज दिया है, जहां इलाज के दौरान युवक की वहां मौत हो गई। मृतक सोमनाथ गोस्वामी झूलना मारो बेमे तरह का रहने वाला बताया जा रहा है। हिरी पुलिस को डायरी मिलते ही वाहन चालक के खिलाफ धारा 279, 337, 304 के तहत अपराध दर्ज कर पतासाजी में जुट गई है। 6 साल की मासूम बेटी से दुष्कर्म के आरोपी को छुड़ाने उसके परिजन पीड़ित मां पर लगातार दबाव बना रहे हैं और उसके भाई को आरोपी की बहन ने झूठे इल्जाम में जेल भिजवा दिया है। इस बात की शिकायत पीड़िता ने जिला प्रशासन से की है। मंगला के अटल आवास में हुआ ये मामला सिविल लाइन थाने में दर्ज है। इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो पूरी बस्ती आरोपी परिवार के कहर से नहीं बच सकती। पड़ोसी हर वक्त सहमे रहते हैं। एक 5 साल की लड़की है और एक 7 साल की है, तो अंदर गया और चॉकलेट लेके गया और चॉकलेट खिला के बोला और चॉकलेट खाओ। तो तुम लोग बोले ठीक है भैया खा लेंगे, बच्चे हैं। तो चॉकलेट के बहाने हम उसी के घर में घुस के दरवाजा बंद करके दोनों बेटी के साथ बारी बारी रेप किया। ये लड़के का नाम क्या है? लड़का का नाम प्रिंस चौबे है, उसके पापा का नाम शारदा चौबे। ये जब आई काम से तब उसकी बेटी लोग बताएंगे, फिर उसके बाद उन लोग इसको गंदा गंदा गाली, तू धंधा वाली है, तू झूठा आरोप लगा रही है, ऐसे करके इसको मारे पीटे, घर में घुस के इसको घर से बाहर कर दिए थे। लोक स्वर टीवी पर खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। मुझे फिलहाल दीजिए विदा, नमस्कार।